6 जनवरी को मालेगांव शहर में संविधान बचाओ कमेटी की तरफ से औरतों की रैली निकाली गई, जिसमें हर समाज की औरतें थी और एज पर नेशनल मीडिया तकरीबन 3 लाख औरतें थी रैली में, ऐसा नेशनल मीडिया का बोला कहना है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के जो नासिक ज़िले की एसपी हैं आरती सिंह, उन्होंने ये बयान दिया बड़े अखबार को, नेशनल अखबार को, इंडियन एक्सप्रेस को, कि मालेगांव शहर में जो रैली निकली उसकी तादाद 10 से 12 हज़ार थी। ये उन्होंने झूठ कहा, इसकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो मुआयनत का काम करती है आवाम और गवर्नमेंट के बीच में। अगर वो हमारे प्रोटेस्ट की गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो इसका मतलब है वो हमारे जज्बात को छुपा रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, जब रैली किया उन्होंने हमको परमिशन दिया तो ये लिख कर दिया कि बाहर के लोगों को बुलाया नहीं जाएगा, इस बात को भी उन्होंने पलट दिया और ओरली हमको कहा कि भाई जो आयशा और लदीदा हैं दो स्टूडेंट्स हैं कि उनको आप आने मत दो वरना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और यही होशियारी से आरती सिंह ने कहा भी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए जो करना था हमने किया। तो हम इस पुलिस की इस हरकत की मुखालफत करते हैं और अगर पुलिस अपना रवैया नहीं बदली तो हम हमारे रवैये को सख्त करेंगे, इसका मैं ऐलान करती हूँ। दूसरी बात ये कि मालेगांव शहर के कॉरपोरेशन जो नुमाइंदे कॉरपोरेशन के मेम्बरान हैं वो अपने वार्ड के 50-60 हज़ार पॉपुलेशन से चुन के आए हैं, तो हम चाहते हैं महागठबंधन की तरफ से हमने लेटर दिया है कि यहाँ पे एक ऐसा पास हो, तजवीज़ पास हो कि मालेगांव शहर की आवाम इस कानून को नहीं मानती, गवर्नमेंट को एक सेंस जाए। दूसरा ये कि जो सेंसस लेने का काम होगा तो वो कॉरपोरेशन के अंडर में लिया जाता है, तो दो कॉलम बढ़ाए गए हैं, एक में डाउटफुल सिटीजनशिप और दूसरा जो कागजात का है, अभी उसका मेंशन नहीं आया है टोटली कि भाई क्या है, लेकिन हमने जो सुना है उसमें जो डाउटफुल सिटीजनशिप ऐसा एक कॉलम है, तो हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन तजवीज़ में ये करे कि हम जिस तरह साबका से मरदमशुमारी करते थे उसी तरह से करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और 26 जनवरी को जो मालेगांव शहर में दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है 70 जगहों पर, तो उसमें हमने रबते के लिए चंद नंबर यहाँ 4 लोगों के दिए गए हैं, जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं वो इनसे कॉन्टैक्ट करें।